हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने विंडोज 11 के टास्क बार स्टार्ट मेन्यू को विंडोज 10 के टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू में बदल सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री। अब ये वीडियो बहुत पहले ही आने वाली थी, लेकिन पिछले हफ्ते मुझे फीवर हो गया, मैंने पोस्ट भी किया था, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। चलो फटाक से सीखते हैं कैसे करते हैं इसे, क्योंकि विंडोज 11 का जो स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार है वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े बड़े आइकॉन्स होते हैं टास्क बार में, जिससे टास्क बार जो ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब आइकॉन्स पूरे भर जाते हैं आपके, तो साइड में एक छोटी से बार में आपको बार बार क्लिक करके जाके देखना पड़ता है उसमें। विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू कितना अच्छा था, एक के अंदर एक आइकॉन्स को अरेंज कर सकते थे और साथ में कंबाइन भी कर सकते थे, जिससे प्रोडक्टिविटी और अच्छी बन जाती थी। एक तरीके से विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू एकदम बेस्ट था अभी तक का, उसी को हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले इस चीज को करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, गेटहब पे एकदम सेफ सॉफ्टवेयर है। मैंने डाउनलोड करके देखा, जो कि है एक्सप्लोरर पैचर, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में बदल सकते हो। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। कॉपी करके पेस्ट कर लो, लिंक यहाँ पे पेस्ट करोगे ऐसे, कॉपी करके ये वाला साइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेटेस्ट पे क्लिक करना है, ये देखो इनका लेटेस्ट वर्जन एक्सप्लोरर पैचर का, इस पर क्लिक करना है। ये वर्जन नंबर है अभी जो लेटेस्ट चल रहा है। अब यहाँ पे आपको ep setup exe फाइल पे क्लिक करना है, जिससे वो डाउनलोड होने लगेगा। आप चाहो तो zip और दूसरे फॉर्मेट्स में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन करूंगा, अब देखना जैसे ही मैंने ओपन किया वैसे ही मैजिक देखो। ये देखो विंडोज 10 के स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार आ गए हैं, तो स्मॉल आइकन्स जैसे विंडोज 10 में रहते थे, अब वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरर पैचर ऐसे टाइप करेंगे, तो ये देखो ये आ गया प्रॉपर्टीज में। अब ये मेन चीज है, यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिकली टास्क बार स्टाइल को विंडोज 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप लार्ज भी रख सकते हो जैसा विंडोज 10 में रहता है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे आइकॉन्स हैं यहाँ पे, तो वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, इसलिए मैं स्मॉल ही रखूंगा। ऐसे भी मुझे स्मॉल ही पसंद है, तो आप जैसा रखना चाहो रख सकते हो विंडोज 10 के स्टाइल में। ये देखो विंडोज 10 वाला है। अगर मैं विंडोज 11 पे करता हूँ और फिर यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करना पड़ता है, बार बार रीस्टार्ट करूंगा, अब देखो थोड़ा देर वो लेगा, वापस विंडोज 11 वाले में आ गया। अगर मैं विंडोज 10 वाला कर देता हूं, वापस रीस्टार्ट करता हूं, अब ध्यान देना रीस्टार्ट हो रहा हो जब ये और सारे आइकॉन्स लोड हो रहे हो वापस, तब आप कुछ भी ज्यादा क्लिक मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। उस गड़बड़ के बारे में भी आगे बताऊंगा मैं, जो मेरे साथ हो गया। अब यहाँ पे एक है कंबाइन टास्क बार आइकॉन्स ऑन प्राइमरी टास्क बार, ऑलवेज कंबाइन पे ही इसको क्लिक करना, क्योंकि अगर आपने जैसे ये एज में ये दो टैब्स हैं मेरे पास, ठीक है, अगर मैं एक टैब को बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे देखो ये दो दिखा रहा है यहाँ पे, और वो एक के अंदर एक ही है आइकॉन्स में, तो वो कंबाइन कर देता है, नहीं तो अलग अलग दिखेंगे जितने आप टैब्स खोलते जाओगे। इसीलिए उसको विंडोज को ऑलवेज कंबाइन पे रखना है यहाँ पे, ठीक है, तभी वो विंडोज 10 जैसा दिखेगा ना। ये सारे विंडोज 10 वाले आ गए, कुछ विंडोज 11 वाले ही रहते हैं, जैसे ये नोटिफिकेशन सेंटर विंडोज 11 वाला है, बट ये दिखा रहा है विंडोज 10 के आइकॉन्स में, तो मोर और लेस विंडोज 10 जैसा फील आ गया है इसमें। बट आइकॉन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो वो मोस्टली विंडोज 11 वाले रहते हैं, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे दिखना चाहिए विंडोज 10 जैसा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड है फाइल एक्सप्लोरर का। फाइल एक्सप्लोरर में जो ऊपर में ऑप्शन आते हैं ना, जैसे ये वाले, ये पहले विंडोज 10 में कितना अच्छा ढेर सारा ऑप्शन रहता था, अब सबको एक के अंदर एक कंबाइन कर दिया, तो वो अगर आप चाहते हो पुराना वाला वापस, तो यहाँ पे विंडोज 11 में से विंडोज 10 वाला सिलेक्ट कर दो और रीस्टार्ट कर दो। ध्यान से रीस्टार्ट हो रहा है, तो कुछ इधर उधर क्लिक नहीं करना। अब देखो ये विंडोज 10 वाले आ गए, जो भी कमांड सेंटर होता है इनका, कंट्रोल इंटरफेस आई मीन। मुझे विंडोज 11 वाला ही पसंद है, तो मैं विंडोज 11 वाला ही रखूंगा, क्योंकि विंडोज 11 में नया फीचर आया है फाइल एक्सप्लोरर में कि आप देखो यहाँ पे मल्टीपल टैब्स खोल सकते हो, जैसे आप क्रोम या फिर ब्राउजर में खोल सकते हो ना अलग अलग टैब्स, वैसे ही यहाँ पे। तो ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं विंडोज 11 वाले में ही रहने देता हूँ इसको। अब नेक्स्ट जो चीज है उसी के लिए आप रुके हुए हो, स्टार्ट मेन्यू। अब यहाँ पे ये विंडोज 11 पे डिफॉल्ट है, जो कि है विंडोज 11 का बेकार सा स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं विंडोज 10 पे क्लिक करूंगा और उसके बाद रीस्टार्ट करूंगा फाइल एक्सप्लोरर को, देखना मैजिक। ये देखो टैंटेड है।
विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज 11, मजेदार चीज है ना। बस इसमें एक गड़बड़ चीज है कि जो अभी लेटेस्ट वर्जन है एक्सप्लोरर पैचर का, जो कि है अपना लंबा सा नंबर, उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एप्स मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, जैसे कैंडी क्रश डाउनलोड कर रखा है और भी बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है, वो सब आइकॉन्स यहाँ पे दिखते नहीं है। ये देखो, ये सब खाली खाली जो दिख रहे हैं ना, वो माइक्रोसॉफ्ट एप्स के जगह पे वो एम्प्टी स्पेस बता रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैंडी क्रश डाउनलोड कर रखा है, सी से कैंडी क्रश दिखा ही नहीं रहा है, और साथ में व्हाट्सएप भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ये देखो, डब्ल्यू से व्हाट्सएप भी नहीं दिखा रहा, टेलीग्राम भी नहीं दिखा रहा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मैंने ऐप डाउनलोड कर रखे हैं वो इसमें नहीं दिखा रहा है अभी तो फिलहाल इस वर्जन में। ये एक थोड़ी सी कमी लगी, लेकिन फ्यूचर वर्जन में आई होप फिक्स हो जाएगा ये। आप बाय द वे यहाँ पे व्हाट्सएप टाइप करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन आप इसको पिन टू स्टार्ट भी कर सकते हो। पिन टू स्टार्ट करोगे तो व्हाट्सएप पिन टू स्टार्ट ये दिखाता भी है, लेकिन वहां पे पिन होता ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। तो ये एक छोटी सी कमी लगी, लेकिन भाई विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू आ गया ना। जैसे जैसे इसका वर्जन अपडेट होते जाएगा ना, एक्सप्लोरर पैचर और भी मैच्योर और भी स्टेबल होते जाएगा। मतलब जैसे जो ये चीज आ रही है, बग आ रहा है कि ये दिखाई नहीं दे रहा, बहुत सारे आइकॉन्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के स्पेशली, वो फिक्स हो जाएगा लेटेस्ट। आप चेक करते रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है github.com का। अब वापस डाउनलोड करके अगेन वापस इंस्टॉल कर सकते हो नया वाला वर्जन, होपफुली फिक्स कर दें वो। और आगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वेदर, स्पॉटलाइट, ये सब अलग अलग चीजें जिसको आप विंडोज 11 से विंडोज 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। वो उतने मतलब खास नहीं लगे मुझे, जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से आप विंडोज 11 में विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार ला सकते हो, और विंडोज 10 के टच के साथ विंडोज 11 के नए फीचर्स का मजा ले सकते हो। अब मैं बताता हूँ एक गड़बड़ वाली बात जो मेरे साथ हो गई जब मैं पहली बार इसको ट्राई आउट कर रहा था। मैंने इसको डाउनलोड किया और मैंने क्या किया कि स्टार्ट मेन्यू को चेंज किया विंडोज 11 से विंडोज 10 में, ऐसे किया। और जब ये चेंज हो रहा था, बहुत देर तक चेंज नहीं हुआ, ये आइकॉन्स नहीं आए, तो मैंने बहुत सारी बटन्स दबाई, जैसे अपना कंट्रोल ऑल्ट डिलीट होता है ये सब, और बाद में रीस्टार्ट कर दिया कंप्यूटर, क्योंकि आइकॉन्स आ ही नहीं रहे थे। एक तरीके से स्टक हो गया था वहीं पे कंप्यूटर आइकॉन्स चेंज करने के चक्कर में। और फिर उसके बाद मैं बार बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते रहा, और जैसे ही पासवर्ड डाल के लॉगिन होता ना, वैसे ही कुछ भी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकॉन्स नहीं आ रहे थे, और साथ में टास्क बार पे भी कुछ भी आइकॉन नहीं आ रहा था, और ये जो वॉलपेपर था विंडोज 11 का, ये बस स्क्रीन ब्लिंक होते जा रही थी बार बार। बहुत बार मैंने 4-5 बार रीस्टार्ट करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है पता है? मेरा तो दिमाग खराब हो गया, लेकिन आपका नहीं होने दूंगा। उसका सॉल्यूशन ये है, जो कि मुझे आधे घंटे बाद दिमाग खराब करने के बाद पता चला। उसके लिए मुझे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कैमरे से दिखाता हूँ आपको। अब वैसे केस में आपका कुछ भी यहाँ पे आइकॉन नहीं आ रहा होगा, ना ही टास्क बार में आइकॉन आ रहा होगा, और स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही होगी बार बार 1-1 सेकंड में, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस केस में बस आपका एक ही कमांड काम करेगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। जैसे ही आप दबाओगे ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने ब्लैक स्क्रीन, और साथ में आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। बट रीस्टार्ट करने से पहले आपको शिफ्ट दबा के रखना है और तब क्लिक करना है रीस्टार्ट पे, तो वो रिकवरी मोड में, सेफ मोड में रीस्टार्ट होएगा, ट्रबल शूटर आ जाएगा आपके सामने थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पे रिकवरी ऑप्शन पे आने के बाद पहले तो मैंने क्या किया था कि जो भी न्यू अपडेट्स हैं उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। मतलब जो भी लेटेस्ट ड्राइवर्स मैंने डाउनलोड किए थे विंडोज के अपडेट्स में, वो सब अनइंस्टॉल कर दिए थे मैंने, लेकिन फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो वो आप मत करना, उसमें बहुत सारे फीचर्स चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने ट्राई किया कि सिस्टम रिपेयर करूँ मैं, स्टार्टअप सिस्टम रिपेयर, इस पर क्लिक किया मैंने, तो वो ऑटोमेटिकली विंडोज डायग्नोइज करता है अपने पीसी को और रिपेयर कर देता है। तब उसके बाद जब रिस्टार्ट हुआ तब सब कुछ वर्किंग फाइन हो गया, सारे आइकॉन्स दिखा रहे थे, बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। बट मैंने अनइंस्टॉल अपडेट्स पे पहले क्लिक कर दिया था, लेटेस्ट फीचर्स चले गए थे, और मेरा नोटिफिकेशन पैनल भी काम नहीं कर रहा था उसके वजह से। तो ये वाला आप मत कर देना, अगर कर दिया है गलती से तो आप विंडोज से विंडोज 11 में, नए विंडोज 11 में विदाउट डाटा लॉस अपडेट कर सकते हो। उसका वीडियो का आइकॉन यहाँ पे आ रहा होगा थंबनेल के साथ, वो जाके देख सकते हो। अगर आपके विंडोज में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, बग आ रखा है, ग्लिच टाइप का आ रखा है, तो आप विंडोज 11 से विंडोज 11 में, नए विंडोज 11 में अपडेट कर सकते हो विदाउट एनी डाटा लॉस। उस वीडियो को देख सकते हो।
एंड इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो स्टार्टअप रिपेयर में जाके। आई होप दैट हेल्प्स। तो इस तरीके से आप विंडोज 11 में विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार ला सकते हो, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 का ही रहेगा, तो आप विंडोज 11 के नए फीचर्स का फायदा भी उठा लोगे और साथ में विंडोज 10 जैसा फील भी आ जाएगा आपको। तो अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो और वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई हो आपको विंडोज 10 यूज करने की इन विंडोज 11, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। एंड बाकी गेमिंग में इंटरेस्ट है तो गेमिंग चैनल चेकआउट कर सकते हो, ट्रस्ट मी एक वीडियो देख लोगे वहां पे जाके तो बिना सब्सक्राइब किए हुए रह नहीं पाओगे। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे फ्री गेम्स के डील्स डालते रहता हूं मैं। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।